बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर से, जो आपका पेपर फोर है, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो इसमें से हमने पार्ट वन में 1 to 30 जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन थे उनको लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। तो डेली आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। कल से आपको डेली इंग्लिश में भी यही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को लेकर के बात करने वाले हैं, जो कि आपके बीएड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज के हम क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक की बात की थी। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी। आज के इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ है। गिजू भाई बदेखा की बात करें तो यह एक महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री एवं महान चिंतक थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को गुजरात के चित्तल गांव में हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि इनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1885 ईस्वी को गुजरात के चित्तल गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बघेका था, और इनके पिताजी का नाम भगवान जी बघेका देखिए ध्यान रखिएगा था। इन्होंने 15 मौलिक रचनाएँ की, ठीक है। इनकी 223 पुस्तकें थीं, कई सारी पुस्तकें थीं, और इनका जो साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से इनका संबंध था। इन्होंने अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया। तो अगर इनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मेन बातें थी वो मैंने बता दी हैं। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर ई होगा, चित्तल गुजरात। यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ा है, ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र हटा करके आप गुजरात कर लेना, चित्तल गुजरात। और सन 1885 15 नवंबर गिरिजा शंकर भगवान जी बघेका फुल नेम इनका था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है फ्रॉबल महोदय हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 33 है, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु भगवान के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर यह कथन रूसो महोदय का है। रूसो इन्होंने ही कहा ये, क्योंकि प्रकृतिवादी थे, इनका मानना था प्रकृति ही सब कुछ है, तो इन्होंने ही यह कथन कहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। चूँकि आप सभी को पता है कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वह परिवार है, लेकिन एक परिवार का निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति से होगा। तो व्यक्ति से ही हमारा परिवार बनेगा, परिवार से हमारा समाज बनेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होगा, क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनेगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, माताएँ आदर्श अध्यापिकाएँ हैं, और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, यह कथन किसका है। तो यह कथन फ्रॉबल महोदय का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लाइन से सारे क्वेश्चन हैं और उनके आंसर भी दिए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो में थोड़ी चीज़ें समझा देते हैं, तो आप समझ करके भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके आंसर भी आप जान सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है। तो यह पेस्टोलॉजी महोदय का कथन है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आप ये अकॉर्डिंग वगैरह याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह कथन कैसा है। तो यह कथन बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि राज्य का 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर अगर इस कथन की बात करें कि संबंध नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका संबंध है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। तो यह बिल्कुल है, प्लेटो
ने कहा प्रकृति की ओर लौटो। ये एक दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये कल्पना में इन्होंने इन चीज़ों की कल्पना की। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सत्य है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो यहाँ पर यह संविधान के अनुच्छेद 46 धारा में वर्णित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक अवसरों की समानता, तो इसमें प्रमुख बाधा आई है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावी बच्चे ज़्यादातर क्या देखेंगे, टीवी देखेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते समाचार पत्र पढ़ नहीं पाएंगे, VCR वगैरह नहीं, अब ज़माना नहीं रहा देखने का, रेडियो वगैरह ज़्यादा सुनते नहीं, बूढ़े लोग ज़्यादातर सुनते हैं, यंग लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात करें तो टीवी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए संचार का सबसे अधिक माध्यम रहेगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है? करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों संप्रदायों राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया 43 का डी करेक्ट आंसर। उसके बाद आप सोच रहे होंगे मैम इतनी जल्दी जल्दी बता रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भी हैं, उनको हमें सारे वीडियो देने हैं। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, यूनिट वाइज चीज़ें, और सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग हैं। बाइलिंगुअल अगर चीज़ों को हम लेकर चले तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर जो भी हिंदी वाले हैं उनको अलग बता रहे हैं, इंग्लिश वाले अलग बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी करें वीडियो में, ताकि आप सभी को सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ आपके एग्ज़ाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 44 है, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? अगर हम बात करें उप संपदा संस्कार की, तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 20 वर्ष में बौद्धकालीन में उप संपदा संस्कार होता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, अकॉर्डिंग वगैरह आप याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो है अपने स्थान पे सीखेगा, मान लो ऑनलाइन चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, ऑफलाइन चीज़ें सीख रहा है, लेकिन अपने ही स्थान पर रह करके चीज़ों को सीखता है। इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, यानी कम्युनिकेशन, ये वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। इसमें समय स्थान का बड़ा महत्व है, ये कहना इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई महत्व नहीं होता है, ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है, इसमें बालक जो है अपने आप चीज़ों को सीखता है, और ज़्यादातर ये 20 से 35 वर्ष की आयु के लिए ही, बालकों के लिए ज़्यादातर देखी जाती है, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 प्रकार की शिक्षण पद्धतियों पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अगर हम बात करें इस पुस्तक की, तो गिजू भाई बघेका जी ने ये पुस्तक लिखी है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन डैम श्योर है कि पूछा जा सके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, शिक्षण में आत्मा उदाहरण अनुसरण निर्देशन अभ्यास और चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके अनुसार
ये चीज़ें इन्होंने अपने शिक्षण पद्धतियों में बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो यह फ्रॉबल महोदय ने कहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 50 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तीन भागों में विभक्त किया है। उसके बाद 52 क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ है? तो भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो आप कमेंट में बताइएगा कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये आपके लिए प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह धारा 45 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा अगर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो अगर हम बात करें जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार, तो चेन्नई अडियार में ये हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, किसका माना जाता है? तो परिवार का, क्योंकि परिवार से ही समाज, समाज से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो समाज इसका, सॉरी परिवार इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, क्योंकि अगर हम सही रहेंगे तो बच्चे भी हमें देखकर सही चीज़ें करेंगे। हम अगर पौधा लगा रहे हैं तो बच्चे सोचेंगे हम भी अपना पौधा लगाएं, क्योंकि सामने वाले, मतलब चोर चोरी तब करता है जब दूसरे को चोरी करते देखता है। ऐसा कहना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर सामने कोई अच्छा काम कर रहा है अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, तो एक दूसरे में ये भावना आ ही जाती है देख करके। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है? तो यहाँ पर भी वही आंसर आ जाएगा, समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके, यानी चीज़ों में समानता रखेंगे हम, इसका उदाहरण खुद बनेंगे। जैसे मान लो हम अपनी लैंग्वेज को खुद बच्चों में कैसे बोल करके, उन चीज़ों को बता करके सुधार रहे हैं, तो बच्चे भी अपनी चीज़ों को सुधारेंगे। यही बात यहाँ पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 59 है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं? तो भाई गिजू भाई वदेका जी हैं इसके लेखक। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम अदर बीएड के अलावा भी बीएलएड, डीएलएड या फिर अदर की बात करें तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, चांस है कि पूछा जा सकता है। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक, तो भाई ये जो भाई वदेका की एक दो पुस्तकें आप पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, और मेन जो थी यहाँ पर बता दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा है, यानी कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अगर हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो मैंने बताया था इसमें स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है, क्योंकि यह एक प्रकार से बालकों को परिवार और समाज से मिलती है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 भी देख लेते हैं, 31 नंबर हो जाएगा ये, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? अगर हम बात करें राजभाषा, तो हिंदी को मिला है, क्योंकि ये आपकी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम और MCQs लेकर के आएंगे, लगभग आपके 300-500 MCQs करा देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा भी करा देंगे, आप परेशान मत होइए, 1000 तक की हम करा देंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। आप परेशान मत होइएगा, बीएड फोर्थ सेमेस्टर वाले इंग्लिश मीडियम अगर हैं तो उनका वीडियो कल मिल जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के चक्कर में उनका भी वीडियो बनाना पड़ता है, टाइम काफ़ी लगता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, या शेयर वगैरह कर दिया करो ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।